देखो, तरीके तो बहुत सारे फेक ऑटम लुक क्रिएट करने के। मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा जिसमें से थर्ड वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। और हाँ, एंड में मैं अपना एक सीक्रेट सॉस भी बताऊंगा जो आपकी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। बाय द वे, कमेंट करके जरूर बताना अभी तक आप कौन सा मेथड यूज कर रहे थे। एंड हाँ, मेक श्योर कि इस टाइप के एडिटिंग के लिए आप ऐसी फोटो चूज करना जो आउटडोर लोकेशन में क्लिक्ड हो, हरे भरे एनवायरमेंट में। तो कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था सिनेमेटिक शॉट्स लेने, और उसी बहाने कुछ फोटोज भी क्लिक करा ली थी मैंने। एंड फोटोग्राफर की लाइफ तो आपको पता ही है, हम तो अच्छी फोटो क्लिक कर देते हैं एंड जब बात हमारी आती है तो हमें मिलता ही ये। खैर कोई बात नहीं, फोटोशॉप जनरेटिव फिल जिंदाबाद। तो इतनी सारी फोटोज में से मैंने ये चूज की एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले कैमरा रो में इमेज को स्ट्रेटन कर लेते हैं, देन उसके बाद ब्लेमिशेस एंड जो भी इम्परफेक्शंस हैं उन्हें रिमूव करते हैं यूजिंग रिमूव टूल। बाय द वे, ये फोटोशॉप के 2023 वर्जन में अवेलेबल है एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अमेजिंग टूल है। इतना करने के बाद इमेज को क्रॉप करके फ्रेमिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं एंड डोंट वरी, जनरेटिव फिल से व्हाइट वाले बॉर्डर्स भी फिल अप हो जाएंगे। देखो, हम तो यूं ही घबरा रहे थे AI से, बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा काम आ रहा है। जो काम करने में पहले बहुत टाइम लगता था ना, वो अब कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। तो जनरेटिव फिल तीन ऑप्शन देता है एंड मुझे फर्स्ट वाला सही लग रहा है, तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। और अब इसकी दो और डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट में, क्योंकि तीन तरीके बताऊंगा ना मैं आपको। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा रो फिल्टर की। तो कैमरा रो ओपन करके जाना है कलर मिक्सर टैब में एंड ह्यू वाले सेक्शन में जाकर येलो एंड ग्रीन के स्लाइडर को ऑल द वे लेफ्ट कर देना है एंड देखना ऑटम लुक वाली वाइब आने लग जाएगी। और ये करने से स्किन कलर इफेक्ट हो तो ऑरेंज स्लाइडर को आगे पीछे करके देख लेना। अब ओके करके एक सिलेक्टिव कलर एडजस्टमेंट ऐड करते हैं ऑटम लुक को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए। तो बेसिकली मैंने रेड में मैजेंटा एंड साइन को कम किया है। तो ये था तरीका नंबर वन, और काम चलाओ रिजल्ट तो इससे मिल ही जाता है। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। जब फोटोशॉप में कैमरा रो फिल्टर नहीं था ना, इस टेक्निक को तब हम यूज किया करते थे। तो ये भी सिमिलर ही है, एक न्यू ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर ऐड करना है एंड टारगेट कलर में येलो को सेलेक्ट करना है। बस फिर ह्यू के स्लाइडर को लेफ्ट ले जाना है जिससे आपको वही ऑटम लुक मिलेगी। बाकी ग्रीन्स को भी चेंज करके देख सकते हो, वो सब फोटो पर भी डिपेंड करता है। इस मेथड से भी सिमिलर कैमरा रो वाले रिजल्ट्स मिलते हैं एंड ये मेथड मैंने भी यूज किया है, बट जब तक मुझे इस थर्ड वाले मेथड के बारे में नहीं पता था। चलो अब लास्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, मैं अपना फेवरेट मेथड बताता हूँ। एक न्यू चैनल मिक्सर एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है, देन उसके रेड चैनल में रेड की वैल्यू -50 सेट करनी है, ग्रीन की 200 एंड ब्लू की अगेन -50। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड चेंज करके नॉर्मल से लाइटन कर देना है। अब देखो रिजल्ट। रुको भाई, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी थोड़ा सा और मसाला लगाते हैं। एक न्यू सेलेक्टिव कलर एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है, देन टारगेट कलर रेड चूज करके साइन को कम करना है, मेजेंटा एंड येलो को बढ़ा देना है। इससे लीव्स में थोड़ा और ऑरेंजिश कलर आएगा। अगर मैं आपको कंपैरिजन में दिखाऊं तो इस वाले मेथड का रिजल्ट सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं मेरे सीक्रेट सॉस की, बट उससे पहले जल्दी से कैमरा रो में कलर ग्रेड कर लेते हैं। अब अपनी फोटो रेडी है सीक्रेट सॉस के लिए। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। अगर आपको नहीं करना ये तो आप इतनी वीडियो देख सकते हैं, बट जिनको करना है वो पूरी वीडियो देखो। तो अब हमने एक लीफ की इमेज डाउनलोड की है, मैंने गूगल से ही डाउनलोड की है फोटो। बाकी अगर आपको ढूंढने में मेहनत नहीं करनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ऑटम लीफ लिखकर सर्च किया था गूगल पर। अब इस लीफ की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है एंड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर सेट कर देना है। जो लीफ फोरग्राउंड में होगी वो बड़ी रहेगी और जो बैकग्राउंड में होगी यानी पीछे, उसको छोटा रखेंगे पर्सपेक्टिव मैच करने के लिए। जिस लीफ की PNG सब्जेक्ट से दूर या कैमरे के पास रहेगी उसे ब्लर करना है, और जो लीफ कैमरा के पास होगी उसे डार्क रखना है, और जो कैमरे से दूर होगी उसे थोड़ा लाइट रखना है। एंड ये सब करने के लिए जिस लीफ की PNG को एडजस्ट करना है उसके टॉप पर एक ह्यू सैचुरेशन लेयर बनानी है, देन उसे क्लिपिंग मास्क कर देना है, और उसके बाद सैचुरेशन थोड़ा कम करना है क्योंकि इस लीफ का सैचुरेशन थोड़ा सा ज्यादा है फोटो के अकॉर्डिंग, एंड डार्क करने के लिए लाइटनेस को कम कर देना है। अब ब्लर करने के लिए PNG को सेलेक्ट करना है, देन फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर पर जाना है। तो ये वाली लीफ की PNG कैमरा के जस्ट पास है एंड सब्जेक्ट से काफी दूर है, तो इसे ज्यादा ब्लर करेंगे। बस सेम इसी तरीके से सारी PNGs को एडिट करना है एंड डन। बाकी इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने ये सब जल्दी जल्दी किया है, वरना मैं लीव्स को बहुत आराम से कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग प्लेस करता हूँ। एंड ये फोटो मैंने पहले भी एडिट की थी तो उसका रिजल्ट कुछ ये आया था। So guys, that's all for this video. See you in my next video. Till then, stay tuned.